साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने बदल दी पूरी की पूरी प्लेइंग 11। इतने खुखार दिग्गजों की वापसी जिसको सुनने के बाद साउथ अफ्रीका थरथर कांपने लगा है। और कुछ खिलाड़ियों ने ओडीआई टी20 में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था उन खिलाड़ियों को कप्तान रोहित शर्मा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और 3 से 4 ऐसे दिग्गज भूखे खुखार शेर हैं गेंदबाज और बल्लेबाज जिनको अपनी टीम में लिया है, जिसको सुनने के बाद आप भी एक बार चौंक जाएंगे और आप भी रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 को देखकर उनको एक बार दिल से सलाम जरूर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि किन किन दिग्गज खिलाड़ियों की रोहित शर्मा ने वापसी की है और कौन कौन से भूखे खुखार से रहे जो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेंगे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। पूरी की पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साउथ अफ्रीका के बीच पहले टी20 के पहले टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने जो प्लेइंग 11 तैयार की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले नंबर पर खुद कप्तान रोहित शर्मा आप लोगों को यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल खुखार विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आपको खेलते नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे शुभम गिल की। जी हां, शुभमन गिल काफी खुखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ऐसा दिग्गज खिलाड़ी का नाम सुनते ही साउथ अफ्रीका अभी से कांपने लगी है। तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल यहां पर आप लोगों को भारतीय टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले खुखार विस्फोटक बल्लेबाज जिसका नाम सुनते ही साउथ अफ्रीका अभी से थरथर कांपने लगी है। आप सभी को बता दें कि वो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली है। विराट कोहली एक खुखार विस्फोटक बल्लेबाज है और पूर्व कप्तान भी है। तो विराट कोहली आप लोगों को यहां पर इंडिया टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, ये 4 बल्लेबाज आप लोगों को खेलते यहां पर नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की यानी कि सुरेश अय्यर की। सुरेश अय्यर काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और केएल राहुल की। सुरेश अय्यर और केएल राहुल आप लोगों को भारतीय टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। सुरेश अय्यर और केएल राहुल काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर भी हैं। सुरेश अय्यर और केएल राहुल भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने इनको प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अब हम बात करेंगे खुखार विस्फोटक गेंदबाज जिनका नाम रविंद्र जडेजा है। जी हाँ, रविंद्र जडेजा काफी खुखार विस्फोटक गेंदबाज है और बल्लेबाजी भी काफी बेहतरीन करता है। तो रविंद्र जडेजा यहाँ पर आप लोगों को भारतीय टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी से वैसे ही साउथ अफ्रीका डरा रहता है। अब हम बात करेंगे नए दिग्गज खिलाड़ी की यानी कि शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह यहाँ पर आप लोगों को गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह काफी खुखार विस्फोटक गेंदबाज है। जब तक ये भारतीय टीम में है तब तक भारतीय टीम टेस्ट मुकाबले में हार नहीं सकती है। अब हम बात करेंगे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा काफी खुखार विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। ये बंदे दोनों ऑलराउंडर हैं तो मोहम्मद सिराज को भी और प्रसिद्ध कृष्णा को भी इस टीम में लिया गया है। यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ये दिग्गज नए खिलाड़ी और नए युवा, इनको खेलने का मौका दिया गया है। और यशस्वी जायसवाल काफी खुखार विस्फोटक बल्लेबाज है। अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहां ओपनिंग में उतरेगा 2 ही खिलाड़ी, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले ओपनिंग में उतरेंगे। दूसरे नंबर पर शुभम गिल और विराट कोहली आप लोगों को खेलते नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर सुरेश अय्यर और केएल राहुल की जोड़ी यहां पर आप लोगों को ओपनिंग में खेलते नजर आएगी। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर यहां पर आप लोगों को खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा आप लोगों को यहां पर भारतीय टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। ये दिग्गज खुखार विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज यहां पर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, हमें काफी उम्मीद है, और हमें फर्स्ट टेस्ट सीरीज में मुकाबला जीत कर जरूर देंगे। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।